आगे गाड़ी में, और ये थोड़ा फाइनल सेटअप कुछ ना कुछ रह ही पिंपिंग गया। का वार्ड हाँ, भी लग सकता वार्ड है। भी ले लिया अपने अरे खुद के वही वाले तो है जगह ना, में, ये जो सिर्फ हम गाड़ी छुपाने का जगह, इंसान छुपाने का जगह हमने देखा है। अभी हम आ गए हैं अपने खोपचे वाले जगह पे। आप देख सकते हैं पीछे दोनों का गाड़ी और खाना बनाने का सेटअप हो गया है। आयुष्मान अपना साइकिल लेके भागा वो। और ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत, ये पानी के क्या बोलूँ, रिपल्स जो बनते हैं पानी के ऊपर, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने के लिए। धूप उतनी हार्श नहीं है। आयुष्मान अपने मज़े ले रहा है, धूप उतनी हार्श नहीं है, अच्छा लग रहा है। बादल है, हो सकता है शाम को बारिश हो, बट डजेंट मैटर। कैंपिंग के लिए ये इससे बढ़िया जगह और क्या मिल सकता है। पानी है हमारे पास अपने, मतलब यूज़ के लिए हम ले के आए हैं, बट फिर भी पानी के सामने बैठ के खाना बनाना और खाना विद अ व्यू, पहाड़, ग्रीन, पंछी और बादल हल्की हल्की सी, एकदम सुपर लग रहा है। द बेस्ट प्लेस टू डू ए कैंप। और आयुष्मान अपने मज़े ले रहा है। बढ़िया, तो अभी चलिए अपने सेटअप की तरफ चलते हैं। और ये देखिए हम दोनों की गाड़ी और खाने पीने का सेटअप बन गया। चेयर्स, टेबल, और उस और नीले वाले बॉक्स में चिकन है। चिकन एंड प्रॉन भी है ना, हाँ नहीं, लोग पनीर भी है, वेज पनीर, सॉरी प्रॉन भी है उसमें, करेक्ट, है, नॉन वेज, सब सब कुछ। कुछ है उसी में, मतलब अलग अलग है, पैकेट में सिर्फ एक ही वेजिटेरियन है, एक ही सारे वेजिटेरियन, एक ही ही वेजिटेरियन नॉन है वेज, तो फिर भी मेजर। हम सबके ख्याल रखते हैं। अच्छा, पनीर, दही, चिकन मैरिनेट करके और प्रॉन, और अभी चलते हैं खाना बनाने के लिए। और हमारे कुछ नेचर फ्रेंडली दोस्त लोग आ गए हैं यहाँ पे, और आयुष्मान अपना काम कर रहे हैं, पेपर कूट रहे हैं, ब्लैक पेपर। ये कितना ग्राम का होगा? 5 ग्राम स्वामी 5 ग्राम? मुझे पचास से दुकान में बैठे थे, ये 5 ग्राम का है। 50 ग्राम का दिख रहा है मुझे। प्रिपरेशन हो गया है, सिर्फ प्रिपरेशन हुआ है, काट बना कूट नहीं के है। बना नहीं है। और तीन तीन शेफ बैठे हैं यहाँ पे। अरे नहीं, हम दोनों मास्टर शेफ है, अच्छा, आधा और वो क्या आधा। सू शेफ है? और सू शेफ सबसे बड़े होते हैं। ऑयल ऑयल देखो वैसे भी मैं डाल सबसे छोटी हूँ, और आयुष्मान, नहीं, आयुष्मान सबसे छोटा है। अरे बाप रे, उसका नहीं आयुष्मान थोड़ा ज्यादा और जाएगा डाल, उसमें। और डाल सकते हैं, हाँ, और थोड़ा ज्यादा जाएगा। सबको तुम्हारे जैसे नहीं ये देखो, ये देखो कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। अच्छा, बनना है। आयुष्मान सबको हमारे जैसे नहीं बनना है, और डालो थोड़ा। बनने क्या वाला है वो तो बताओ। आज बन रहा है हमारे स्टाइल का पुलाव, वेजिटेबल एंड पनीर, सॉरी इंग्रेडिएंट भूलने वाली अच्छा, थी, वेजिटेबल है में ना, क्या क्या है? अच्छा, सारे ये वेजिटेबल। हरी सब्जी और हाँ, और पनीर, पनीर ये ऑथेंटिक ओरिया वाला है, इसमें कांकोड़ों को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। कंटोला, 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 कंटोला। मैं जब हाँ। खरीदता हूँ कंटोला तो लोग आके बिरयानी पूछते हैं बनेगा, क्या चीज है। एक्चुअली कंटोला। ना हमारे एरिया में वो खरीदने वाला था, अच्छा, तो दो लोग आके पूछ रहे हैं ये क्या चीज है, लोग खाते हैं ये फल है कि सब्जी है, मतलब सब्जी है, सब्जी ऐसे ही बना चलेगा। चलो एटलीस्ट वो सब्जी तो बोले। ये पापा इतने में देर नहीं है। नहीं है, नहीं, बहुत सारे वेजिटेबल है, अरे गाय बताएंगे। भी है पीछे, गो माता भी आ गई, गो माता। कुछ नहीं, कुछ नहीं करेंगे देखो वो। हम पूरा प्रॉपर शेफ है। हाँ, चम्मच हिलाने वाले से। और क्या, एक्चुअली ये टेढ़ा है, इसको वो स्लैब के ऊपर रख दो, सीधा हो जाएगा। ओ स्लैब लेके आए, वैसे भी तो वो भी टेढ़ा ही हो जाएगा। तुम सरफेस टेढ़ा है, ठीक है। आज जब पनीर पुलाव बनेगा उसके साथ रायता। हाँ, सॉरी रायता भूल गए थे हम। हम्म, चलिया छोटा है तो। मुझे देख रहा है आज खाना कैसे बनने वाला है। डोंट अंडर बनेगा, एस्टिमेट बनेगा। मैच। देख रहा है, देख रहा है, वहां गाय सब खा चुकी है वहां पे पीछे। ओ ओ अरे
ये अच्छा आइडिया है, साइकिल को बैरिकेड बना दो। ऑलमोस्ट मतलब आधे में है, फिनिश तो हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मौसम और भी सुहाना बन रहा है, बादल आ रहे हैं, धूप एकदम नहीं है और हवा बह रही है, और बहुत सारा यहाँ पर गाय हमारे यहाँ पर है हमें कंपनी देने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है और आप देख ही रहे हैं यहाँ का एम्बियंस कितना सुंदर है। तो और क्या कहने, तो जैसे खाना बनता है फिर खाना खाते हैं, फिर शाम का प्लान भी देखते हैं क्या बनता है। तो बारिश आ रही है अभी, इसीलिए इसका एक टेम्परेरी सेटअप, टेम्परेरी नहीं परमानेंटली हो रहा है। हेलो, ये एक जुगाड़। अभी बारिश शुरू हो गई है तो हम एक टेम्पररी सा अरेंजमेंट किए हैं और अभी सब यहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। क्या करेंगे, लेकिन बहुत मजा आ रहा है यार। मतलब ऐसा तो चाहिए माहौल, मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग चाहिए ना लाइफ में। नहीं तो नॉर्मल हो जाता सब। सब कुछ अगर प्लान के हिसाब से चले वो तो कैंपिंग नहीं है। नहीं नहीं, और आप जानबूझ कर आए हैं, इसलिए मानसून में आए हैं जानबूझ कर, ऐसा होना चाहिए। वैसे कुर्ग में तो बारिश होगा ही होगा। और सबसे ज्यादा आयुष्मान खुश क्योंकि वो पूरा अपना दिमाग लगा रहा है पानी कैसे नीचे लाएगा करके। और अभी 5 मिनट में सबके पास 50 आइडियाज भी आ चुके हैं, कौन सा इम्प्लीमेंट करेंगे वो नहीं पता। खाना पीना पूरा यहाँ पे रेडी है, इसमें पुलाव बन चुका है, इसमें पुलाव बन चुका है, सिर्फ खाना खाना बाकी है। और हमारा रायता भी आधा में ही था ना। नहीं नहीं, पूरा वो भी पूरा बन गया, रायता फैल गया, अभी समेटना है सब। करेक्ट, ठीक है। थोड़ा बारिश मतलब थमेगा तब हम लंच करेंगे, अभी तो यहाँ पे अच्छे सा माहौल देख के सारा प्लान एग्जीक्यूशन में है, मतलब प्लानिंग फेज में, कितना एग्जीक्यूट होता है वो देखते हैं। अभी श्रीकांत और सॉरी नॉट श्रीकांत, सुमित और मानी कुछ तूफानी करने के चक्कर में है, छाता निकाले हैं, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे करके, देखते हैं कितना एडजस्ट कर पाते हैं ये। रिव्यू अच्छा बना है, तीनों मिलके बनाए ना, इसलिए पुलाव बना या खिचड़ी बन गया? नहीं, पुलाव ही बना है, बिरयानी बना है हमारा। बारिश अभी रुक चुका है, अभी 3:30 हो चुका है और सेटअप में थोड़ा चेंजेस। जैसे आप बारिश के टाइम पे देखे थे दोनों व्हीकल पैरेलल था, अभी हम उसको टी शेप में डाल दिए हैं तो थोड़ा ज्यादा कवरेज मिल जाएगा। और अभी हम पहले यहाँ पे सेटअप किए थे और अभी थोड़ा गाड़ी वगैरह से चेंज करके वहाँ पे चले गए हैं, और अभी अच्छा खासा पूरा धूप खिल गया है तो मस्त है। तो एक ही दिन में सारा वेदर हम एंजॉय कर लिए। आगे खाना खाने के लिए पुलाव और रायता, पनीर पुलाव और रायता कैसा बना है? किसी का फोन बज रहा है। और ये सेटअप अलग ही है, कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। हाँ हाँ, तीन शेफ लगे थे। तीन शेफ लगे थे। आयुष्मान, हम दोनों कितना अच्छा खाना बनाते हैं ना। नहीं बनाया। हाँ, आयुष्मान ने बनाया। हाँ, वो तो
अच्छा बना तो हम ही बनाए हैं। नहीं नहीं मैं बनाया। अश्वन थोड़ा क्रेडिट मुझे भी। 1% थी। ओके। अच्छा बना। रुआ। और ये सेटअप दोनों गाड़ी को जॉइंट करके। और सुपर क्यों लग रहा है? ये आयुष्मान कुक है। और उसको आशीष कर देते और दो कुक हैं बड़े वाले। ये सूस है। आयुष्मान सूस है। और मैं? असिस्टेंट। असिस्टेंट ओके। तो अच्छे से असिस्ट की इसीलिए इतना अच्छा बना है। हाँ आयुष्मान नहीं वो मना करो 1% क्रेडिट भी नहीं दे रहा है मुझे। अभी लंच के बाद अभी हम बनाएंगे शाम का प्रिपरेशन चिकन और प्रॉन और पनीर। सेटअप यहाँ पर बन चुका है दोनों गाड़ी के बीच में अच्छा खासा सा जैसे हवा ना लगे यहाँ पर आँच बुझ ना जाए। यहाँ पर देखिए मस्त सा एकदम मतलब लग रहा घर जैसा लग रहा 1 BHK। हाँ, ये प्रॉपर 2 BHK हो गया है। 2 BHK हाँ। ये गार्डन एरिया और वो 1 bedroom 1 bedroom। वाह। थोड़ा सा ऑयल भी डाल दो। यहाँ तो बटर गया यहाँ पर थोड़ा ऑयल और उसमें भी थोड़ा ऑयल और जो अपना मैरिनेशन है वो सीधा जाएगा तवे पे। और उधर चिकन हो रहा है। ये पता नहीं किसका सीरियल बताओ ये। और ये अलग ही लेवल का लग रहा है एकदम। तो हम यहाँ पर रात में बैठेंगे यहाँ पे और ये खाने को एंजॉय करेंगे। यहाँ पर लाइट भी लगेगा गाना भी लगेगा और ये एकदम महीने भर का गप्पे मारेंगे। जो पार्टी की बात बोल रहे तो यही है क्या? यही है यही है यही है ये सब खाना पीना खा के गप्पे मारना है तो पार्टी बोलते हैं। बादा मिल्क भी है अंदर है वो पार्टी भी बनेगा। फ्रिज में है वो पार्टी वाला सामान भी है। पनीर और चिकन दोनों सेट हो गया है और मस्त लग रहा है। यहाँ पर घर के अंदर जैसे खाना बनाते हैं ना वैसे ही वाला फील आ रहा है। और पूरा 4 हो गया है चिकन। हाँ यहाँ पर देखिए पूरा एकदम अच्छा वाला रोस्ट बन गया है और पनीर भी एकदम सेट है। हाँ बस थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। बारिश हो जाएगी तो इसलिए पहले इसको कम्प्लीट कर देना पड़ेगा। पहले हल्का सा गरम कर लेंगे। हाँ क्योंकि बारिश अगर जोर से होगी ना फिर से दिक्कत हो जाएगी। ये पनीर तो एकदम सॉफ्ट है ये थोड़ा और टाइम लगेगा शायद ये क्रस्ट बना नहीं है। पूरा सीजलिंग पनीर मस्त सा क्रस्ट आया है। पर हो गया सेटअप। मैं अभी बैठा हूँ अपने 1 BHK में। 1 BHK तो बोल नहीं सकते लेकिन है लग तो वैसा ही रहा है। किचन है बेडरूम है वहाँ पर और एक एक्स्ट्रा रूम भी है और चिकन पनीर हो चुका है। पनीर अंदर है वहाँ पे पनीर वहाँ पर है और चिकन प्रिपरेशन इन प्रोग्रेस है। मौसम एकदम सुहाना है और शाम के 5 बज रहे हैं क्योंकि बारिश हो जाने वाली इसलिए पहले हम सब फटाफट कंप्लीट करके साफ सुफ करके इसको अंदर रख देंगे ताकि रात को दिक्कत ना हो। और सुबह का दोपहर का पुलाव भी है तो वही आज रात का खाना बनने वाला है। और हाँ प्रॉन भी है वो प्रॉन भी बनेगा वो आखिर में बनेगा इसलिए मतलब वो फटाफट बन जाते इसलिए ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और बस इतना ही है गाना वाना लगाएंगे और रात को कैंपिंग का मज़ा लेंगे। और अभी हम जाएंगे रिवर साइड पे थोड़ा वॉकी करने के लिए। बहुत अच्छा सा मौसम हो गया है पूरा धूप चली गई है। बारिश आने से पहले जाएंगे एक दो फोटो क्लिक करेंगे और इवनिंग का एक वॉक लेके आते हैं। हाँ। तो तुम्हें
सब सेट हो गए हैं, खाना पीना रेडी है, बाहर वेदर बहुत अच्छा हो गया और अभी टाइम हो गया है 6:15। मच्छर आने से पहले हम अंदर आ गए, पता चला मच्छर आ गया तो हम रात में सो नहीं पाएंगे, तो अभी का सेटअप यही कि सब यहीं पे बैठेंगे, गप्पे मारेंगे बहुत टाइम तक, उसके बाद गाड़ी में जाएंगे और तब तक के लिए यहाँ पे थोड़ा गैप रख के सेट हो गए, गप्पे वप्पे मारेंगे। आयुष्मान अपना पूरा फॉर्म में है, फोकस उसके फेस पे, वही अच्छा दिखना चाहिए। और सब अपना अपना फेवरेट डिश पका के खा रहे हैं। हाँ हाँ मैं अपना चना खा रहा हूँ, आयुष्मान चिकन खा रहा है, वो पनीर खा रहे हैं और श्रीकांत पनीर सब कुछ खा रहा हूँ, श्रीकांत सब कुछ खा रहे हैं, ऑलराउंडर है हम। तो अपने पार्टी शुरू हो चुकी है। हाँ। पार्टी शुरू हो चुकी है, अंदर लाइट भी लग चुकी है, लाइट भी लग चुका है, लिच्चू भी लग चुका है, सब कुछ है, पूरा अंदर वो गोवा वाला माहौल भी हो गया है ना। और म्यूजिक लगाएंगे, अभी नहीं लगा रहे कॉपीराइट के लिए, ये बंद होते ही म्यूजिक भी स्टार्ट होगा। और ये मानसून वेदर चेरी ऑन टॉप, मतलब ऐसा बाहर देखने से ना लगता है यार कहाँ आ गए हम। बहुत ही अच्छा लग रहा है बाहर, पानी पूरा इधर तक पानी है, ऐसा ना हो कि रात भर बारिश हो और इधर तक पानी आ जाए। उतना नहीं चाहिए, जब पता चला रात को गाड़ी निकल के उधर भागना पड़ा। नहीं वो तो थोड़ा हम ध्यान देंगे, एक दो घंटा, अभी तो बारिश सिर्फ ड्रिजल हो रहा है, इतना नहीं आएगा। वो आफ्टरनून में जैसे बारिश होता है, अगर वो 4-5 घंटे के लिए, वो तो गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अभी ये तो ड्रिजल वाला है, तो उतना नहीं होगा। तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे, हम भागे या पानी वहीं पे ही है। मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद या डायरेक्टली सुबह।